नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम जय हिंद की सेना। आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा का भार हमारे जाबाज सैनिकों पर है। वे अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। उनके बिना एक सुरक्षित देश की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा ये कार्यक्रम उन वीरों के शौर्य और उनकी अमिट गाथा को समर्पित है। देखिए जय हिंद की सेना। दुश्मन खबरदार, जनता होशियार, क्योंकि ये है देश के रखवाले, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले। इनके साहस को देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। इनकी हिम्मत के आगे न टिक पाता है समंदर न तूफान। ये हैं देश के वीर जवान। इनकी शौर्य गाथा को सुनकर आप गर्व से कहेंगे जय हिंद की सेना। 1965 की लड़ाई हो या 1999 का कारगिल वार या फिर 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारतीय सेना के पराक्रम की झलक दुनिया ने देखी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसे जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना की तोपों ने दुश्मन को अपनी आग की लपट में भस्म कर दिया और दुश्मन की हर चाल को नाकाम करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय थल सेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान की फौज को जो सबक सिखाई, उसे पाकिस्तान आज तक भूल नहीं सका। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के भूभाग पर कब्जे की नापाक साजिश रची, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जंग का बिगुल फूंक दिया। पाकिस्तान को लगने लगा था कि उसके सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने जब कच्छ सीमा के विवाद को हल तक पहुंचाने में मदद की है, तो फिर वह भारत से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कक्ष के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस रणनीति के दम पर उसने भारतीय सेना को कश्मीर में घेरने की योजना बनाई, लेकिन उसकी एक नहीं चली और भारतीय सेना ने उसे करारा जवाब दिया। 5 अगस्त 1965 को भारत के 26,000 और पाकिस्तान के 33,000 सैनिकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। कश्मीरी लोकल्स के अंदाज में यह सैनिक कश्मीर के कई इलाकों में पहुंच गए। 15 अगस्त को भारतीय सेना ने उस समय तय की हुई सीज फायर लाइन को पार कर डाला। इस जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का 1900 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। इस लड़ाई में 5,800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद दुनिया और एशिया में भारत की एक नई पहचान बनी। उस समय टाइम्स मैगजीन ने लिखा था कि साफ हो गया कि अब भारत दुनिया में नई एशियन ताकत के तौर पर उभर रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के शौर्य, साहस और उनकी वीरता की कहानी कहने वाली एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को, क्योंकि इस तस्वीर में पाकिस्तान के नापाक इरादे और भारतीय सेना के शौर्य की गाथा साफ झलक रही है। यह तस्वीर है सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का। इस तस्वीर में पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल ए.के. नियाजी भारतीय सेना के सामने घुटने टेकते हुए आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे भारतीय सेना के जाबाज अफसर जनरल सैम मानेकशॉ पाकिस्तान सेना प्रमुख से आत्मसमर्पण के अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। 1971 का साल भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ 1971 का युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। भारतीय सेना की कमान जनरल मानेकशॉ जैसे अनुभवी व कुशल सेनानायक के हाथ में थी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद के कारण इंदिरा गांधी के समय में एक बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आ चुके थे।
जिन्हें भारत में पड़ोसी होने के नाते सुविधाएं दी जा रही थीं। यह पाकिस्तान को बिल्कुल गवारा नहीं था। शरणार्थियों के आने से भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहां तक कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकियां देना तक शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी चर्चाएं की ताकि कोई हल निकल जाए और शरणार्थी वापस घरों को लौट जाएं, पर यह नहीं हो सका। फिर वही हुआ जिसका डर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने विरोध को बड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी एक सेना बनाकर पश्चिमी पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे पाकिस्तान ने भारत समर्थित युद्ध माना। उनका मानना था कि भारत की शाह पर उनका विरोध हो रहा है, इसीलिए उनकी खुन्नस निकालने के लिए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया और तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने की घोषणा कर दी। 15 दिसंबर को पाकिस्तानी सेनापति जनरल ए के नियाजी ने युद्ध विराम की प्रार्थना की और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह तस्वीर उसी आत्मसमर्पण की कहानी साफ कह रहा है। भारतीय सेना की शौर्य गाथा यही खत्म नहीं होती। भारतीय सेना के जवानों ने जब दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन के इरादे को नाकाम किया और पाकिस्तानी चौकियों को बर्बाद कर तिरंगा लहराया, तो पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की हिम्मत और पराक्रम का लोहा माना। हम बात कर रहे हैं कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर की चोट पाकिस्तान ताउम्र नहीं भूल सकता। 8 मई 1999 पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की अजम चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए। किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बना लिया जाता है तो वे उनका राशन खा जाएंगे, जो कि खुद उनके लिए भी काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने चरवाहों को वापस जाने दिया। करीब 1.5 घंटे बाद वे चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां पर वापस लौटे। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ की खबर जैसे ही भारतीय सेना को मिली, उन्होंने भारत के LOC पर से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय का बिगुल फूंक दिया और शुरू हो गया कारगिल का ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत 26 जुलाई के दिन भारत ने कारगिल पर जीत हासिल की थी। इस युद्ध को कारगिल युद्ध कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान के 3000 सैनिक मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध 18 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। आपको बता दें कि कारगिल पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। इस युद्ध में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय तोपों से निकली आग से दुश्मन पूरी तरह झुलस गया। दुश्मन की वैश्विक नीति हो, राजनीतिक हो या सेना की कूटनीति, हिंद की सेना और उसके जाबाज रणबांकुरों के सामने दुश्मन एक पल भी ठहर नहीं सका। भारतीय सेना हर जगह शत्रु को परास्त करने हेतु तैयार है। जमीन हो या आसमान, दिन हो या फिर घुप अंधेरे में की हुई सर्जिकल स्ट्राइक। दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि जब तक अगली सुबह होगी तब तक दुश्मन के नामोनिशान मिट चुके होंगे। घुसपैठियों के कैंप, आतंकियों के ठिकानों और पाकिस्तानी सेना की चौकियां किसी भी सूरत में भारतीय सेना की आंखों से बच नहीं सकती। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इससे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी थी। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने 28-29 सितंबर की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्चपैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया और उन्हें तबाह कर दिया। 18 सितंबर को जैश ए मोहम्मद के फिदाई दस्ते ने भारतीय सेना की 12 ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। इस दौरान मौके पर मारे गए आतंकियों से जब्त जाने कितने अनसुने किस्से हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां जरूर तलाशेंगी और भारतीय सेना के पराक्रम का गुणगान करते हुए उन्हें सदैव याद रखेंगी।
आज आजादी के इस पावन अवसर पर मृदुभाषी न्यूज की ओर से जल थल और वायु सेना के सभी वीर जवानों को नतमस्तक नमन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।